चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दे, जहां लोकायुक्त पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में छापा पड़ा है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इंजीनियर एससी वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इंजीनियर ने ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में 1,00,000 की रिश्वत की मांग की थी और उसकी राशि आधा भुगतान 40,000 की रिश्वत जब दी गई तो ये लेते हुए पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त का पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में छापा पड़ा है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। इंजीनियर एससी वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आकर्ष शर्मा का रुख करते, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। आकर्ष, पूरा मामला विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे और फिलहाल क्या कुछ कार्यवाही अभी की जा रही है। जय, इस वक्त मैं पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और यही कारण है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लोकायुक्त की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो बताया जा रहा है जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो हैं उनको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जो तस्वीरों में जिनको दिखाना चाहिए उनको दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन। जो लोकायुक्त के जो ठेकेदार जो इंजीनियर हैं उनको 40,000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार किया और उनके एक साथी हैं इंजीनियर के साथी जो ट्रेसर कहा जाता है दिनेश चौधरी, उनको भी गिरफ्तार किया है। इन्होंने बिल पास कराने के एवज में करीब 1,00,000 रुपए की जो है रिश्वत मांगी थी और उसके बाद लोकायुक्त की टीम ने इनको रंगे हाथों एससी वर्मा जो इंजीनियर है उनको गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तमाम कार्रवाई यहां पर की जा रही है और यहां पर जो लोकायुक्त की टीम के जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि बात भी करें। जहाँ पर सुनील शर्मा जी हैं लोकायुक्त से, उनसे हम बात करते हैं। सुनील सर, एक बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ आप लोगों को सूचना मिली थी उसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई की? 8 जून 2022 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल श्री मनु व्यास जी के पास राजगढ़ जिले के ठेकेदार मिस्टर गोविंद चौहान के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की थी कि वो पीडब्ल्यूडी में कार्य करते हैं और उनके द्वारा यहाँ लाइट और पोल शिफ्टिंग का टेंडर लिया गया था। उस टेंडर का काम उनके द्वारा पूरा कर लिया गया है और मात्र उनको अभी 15,00,000 रुपए का भुगतान हुआ था और 15,00,000 के भुगतान में से भी उनसे कभी 12%, कभी 13%, कभी 8% रिश्वत मांग की जा रही थी तो उनके द्वारा ये सेटलमेंट 6% में हुआ, जो कुल 15,00,000 के मान से 1,00,000 रुपए होता है। 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग का हमने जब वेरिफिकेशन किया तो सही पाया गया। उसको सही पाए जाने के बाद हम लोगों ने आज ट्रैप ले किया और 40,000 रुपये की पहली किस्त लेते हुए आज ये हमारे यहाँ रंगे हाथों हमारी टीम के द्वारा ट्रैप किए गए हैं। हमारा ट्रैप टीम यहाँ कार्रवाई कर रही है। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर जो शीशियाँ रखी हुई हैं इसमें हर बार देखते हैं इसी तरीके से ऑरेंज घुल रहता है, ये क्या रहता है और जो कपड़े वो पहने हुए थे वो भी आपने जब्त किए हैं? चूँकि इनके द्वारा रिश्वत राशि अभी रहित करके पैंट की लेफ्ट साइड की जेब में रखी हुई थी तो हमने उस पैंट को जब्त किया है और उस पैंट की जेब का हमारे द्वारा वॉश भी लिया गया है। ये सारे वॉश अलग अलग घोल हैं जिनको हम प्रयोगशाला में भेज करके और इनकी जांच करवाएंगे। सर, दो ही लोग हैं जो इंजीनियर हैं और उनके जो ट्रेसर हैं सिर्फ वही हैं, इन्होंने और भी लोगों से किसी तरीके से रिश्वत ली हो ये पता चल पाया कि अभी तक इनके साथ ही और कौन कौन लोग? नहीं, ये अभी हमारे पास तो केवल इनकी कंप्लेंट थी और रिकॉर्डिंग के दौरान मिस्टर दिनेश चौधरी हैं जो यहाँ पर ऑडिटर का काम देखते हैं और ट्रेसर इनका मूल पद है, इनके द्वारा भी रिश्वत की मांग की गई थी तो हमने इनको बिल्कुल तो एक बड़ी कार्रवाई को आकर्ष अंजाम दिया गया है। लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में छापा मारा और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस वक्त टीम पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में मौजूद है और कार्रवाई आगे लगातार जारी है।